बहुत अच्छा फार्मूला श्री सदगुरुदास महाराज जी ने अपनी आदि गुरुवाणी के अंतर्गत लिखा है कि जो कि ये छोटे छोटे मर्ज इन लोगों को कहीं ना कहीं से हो जाते हैं, इसलिए शुगर के लिए बहुत रामबाण दवा, 100 ग्राम लीजिए गेहूँ, 100 ग्राम लीजिए जौ, 100 ग्राम लीजिए कलौंजी, इन सबको 15 गिलास पानी में पका लें। जब वह पकते पकते 5 गिलास के लगभग रह जाए तो इसे किसी बोतल में बंद कर लें। बोतल में बंद करने के बाद में फिर सुबह शाम 1 कप निहार मुँह जो है उसका खाली पेट रसपान करें। शुगर 5 दिन की दवा करने के बाद में फिर 5 दिन के लिए यही सामान पकाएं, नया ले करके, फिर पकाने के बाद में फिर उसमें 1 दिन बीच में छोड़ना, जैसे आपने पहली खुराक जो ली है उससे 1 दिन बीच में दूना, 1 दिन के लिए लगातार लेना, और जब दूसरी बार आप लोग बनाते हैं तो उसके 1 दिन छोड़ना, फिर तीसरे दिन बाद जब तीसरी खुराक बनाते हैं तो उसे 3 दिन के बाद में 1 खुराक लेना। इसी तरीके से आप जो यह दवा 1 महीना लगातार खाएं, शुगर गारंटी से खत्म। यह गुरु रविदास महाराज जी ने अमृतवाणी में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा, जो बोले सो निर्भय परमचंद शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।